हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। आज मैं आपको चैप्टर 11 आवर नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ाने जा रही हूँ। इसकी एक्सरसाइजेज की प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको, इसको ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो लेट्स बिगिन। नेचर हैज़ गिवन अस वाटर्स, एयर, सॉइल, मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड सो ऑन। हमें नेचर ने बहुत कुछ दिया है एंड दीज आर कॉल्ड गिफ्ट्स ऑफ नेचर। वी यूज़ दीज गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू फुलफिल अवर डेली नीड्स। और हम अपनी डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और जब अर्ली ह्यूमंस को इन रिसोर्सेज को यूज़ करना नहीं आता था, उसका जीवन बहुत ही परेशानियों से भरा हुआ था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, ओके, तो जब उसको कन्वर्ट करना आ गया, बाय द टाइम जैसे टाइम बीतता गया, वैसे वैसे वो उनको कन्वर्ट करना सीखता गया। और उससे वो अपनी जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसकी नीड्स हैं, उनको फुलफिल करता गया। जैसे विंड इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर, ओके, एंड व्हेन ह्यूमंस लर्न टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड दी यूजिंग विंड मिल्स एंड विंड बिकेम अ रिसोर्स फॉर देम। जैसे ही उसने विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना सीख लिया, तो वो उसका क्या बन गया, वो विंड उसके लिए क्या बन गई, एक रिसोर्स बन गई। ओके, तो हम इस चैप्टर में टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वन इज एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, अनदर इज इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। एग्जांपल्स, एल्यूमिनियम, कॉपर, कोल, पेट्रोलियम, दीज आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। ओके, क्या है ये सब? एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं। ओके, वंस वी यूज्ड अप, तो भी हम इनको वापस से यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, एंड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, सोलर एनर्जी, सनलाइट एवरीडे वी यूज। ओके, सोलर एनर्जी हम कभी भी यूज कर सकते हैं। ओके, वंस वी यूज्ड अप, अगेन वी कैन यूज। वाटर वी कैन यूज अगेन एंड अगेन। प्लांट्स वी कैन ग्रो प्लांट्स अगेन एंड अगेन। ओके, जो प्लांट्स है उसके सीड से हम वापस से प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। एंड सॉइल, इन द सॉइल वी कैन ग्रो द प्लांट्स अगेन एंड अगेन। ओके, दीज एग्जांपल्स आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। इन अदर वर्ड्स वी से इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज को क्या कहते हैं इन अदर वर्ड्स? इनएग्जॉस्टेबल, यस, नॉन रिन्यूएबल, जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता। क्लियर? सो यू मस्ट नॉट डन ऑल दीज पॉइंट्स, आई एम गिविंग यू टाइम। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। यस, वापस से हम इसका अपना नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ओके, यस, टिक द ऑड वन आउट, टिक द ऑड वन आउट। तो इसमें हम टिक लगाएंगे जो हमारा ऑड वन है। ओके, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेचुरल रिसोर्स, अब इसमें कौन सा वर्ड आपको ऑड लग रहा है? रोड्स, मिनरल्स, प्लांट्स या फिर वाटर? जल्दी से बताइए, बी क्विक, हरी अप। कौन सा इसमें ऑकवर्ड है नेचुरल रिसोर्सेज में? जल्दी बताइए। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट। द आंसर इज रोड्स। ओके, रोड्स क्यों है बेटा? क्योंकि देखिए, रोड्स जो है ये ह्यूमन मेड है। क्या है बेटा? ये ह्यूमन मेड है। ओके, यस, एंड नाउ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मशीन, बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी, सॉइल, यस, नेचुरल रिसोर्सेज जो है बेटा, इसमें फर्स्ट वाले में जो वाटर है, मिनरल्स है, प्लांट्स है, ये हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। बट जो रोड है वो मैन मेड है, दैट इज वाई इट इज ऑड वन। ओके, एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर मशीन, बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड सॉइल। इसमें अब कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्स है? मशीन है, बिल्डिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, सॉइल है, क्या चीज है बताइए? इसमें कौन सा वर्ड जो है ऑकवर्ड है? कौन सी चीजें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं और कौन सी नहीं है? यस, वेरी गुड, मशीन इज ह्यूमन मेड, बिल्डिंग्स आर आल्सो ह्यूमन मेड, इलेक्ट्रिसिटी आल्सो ह्यूमन मेड, ये भी ह्यूमन मेड है, बट सॉइल इज नॉट ह्यूमन मेड। ओके, इट इज अ नेचुरल रिसोर्स। सो हमारा सेकेंड आंसर क्या है? कौन सा ऑड वन है? सॉइल। गॉट इट?
यस। नाउ नंबर थ्री, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। अब हमारा एग्जॉस्टिबल रिसोर्स कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए। यस, गैस कीजिए। रेन, कोल, सॉरी आयरन, कोल, वाटर एंड कॉपर, इसमें कौन सा है एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, जल्दी बताइए। हरिया परिये। यस बेटा, देखिए आयरन, कोल और कॉपर, ये क्या है हमारे, ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है। और इसमें ऑकवर्ड कौन सा है, वाटर। वाटर क्या है, इसको, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, बट आयरन, कोल एंड कॉपर इनको हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? ओके, वेरी नाइस। नाउ मेटल्स। अब मेटल्स हमें फाइंड आउट करने हैं इसमें, और जो डिफरेंट वर्ड होगा उस पर हमें टिक लगा देना है। तो मेटल्स कौन से हैं, कोल इज अ मेटल, हरिया एल्यूमिनियम इज अ मेटल, कॉपर इज अ मेटल, आयरन इज अ मेटल, जल्दी बताइए। तो इसमें क्या चीज मेटल नहीं है, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ये थ्री जो हैं हमारे मेटल्स हैं, बट कोल हमारा मेटल नहीं है। ओके, ये फ्यूल है, इसको हम यूज कर देते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिनिश हो जाता है। ओके ना, फ्यूल्स। अब इसमें कौन से फ्यूल्स हैं, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल या आयरन, इसमें कौन सा ऑकवर्ड वर्ड है, हमें सारे फ्यूल्स के नेम्स ढूंढने हैं पहले। यस, नेचुरल गैस इज अ फ्यूल एंड पेट्रोलियम इज ऑल्सो फ्यूल एंड कोल इज ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्यूल, बट आयरन इज नॉट अ फ्यूल। ओके, यस, सो दिस इज द डिफरेंट वर्ड, ऑड वन आउट। नाउ इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, अब हमारे इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कौन सी होती हैं, यस सी, सर्च द एग्जांपल्स। यस, एल्यूमिनियम, सोलर एनर्जी, एनिमल्स और एयर, जल्दी बताइए सिक्स वन में कौन सा डिफरेंट है। वेरी गुड, दैट इज एल्यूमिनियम, वेरी नाइस। नाउ आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, हाउ, कैसे है ये हमारा एल्यूमिनियम डिफरेंट इनएग्जॉस्टिबल सोर्स। यस, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स, क्योंकि हम सोलर एनर्जी, एनिमल्स एंड एयर, ये इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं, और एल्यूमिनियम जो है हमारा एग्जॉस्टिबल है, वंस वी यूज्ड अप वी कैन नॉट रीयूज इट अगेन, हम इसको वापस यूज नहीं कर सकते, तो ये हमारा ऑड वन आउट है। ओके, क्लियर एवरीवन? वेरी नाइस। नाउ आई एम क्लियरिंग ऑल द आंसर्स, आई होप एवरीबॉडी हैज नोट डाउन, सबको नोट करना है सो दैट यू कुड लर्न। ओके, वापस से इसको रिवाइज कर सके, इसलिए इसको नोट करना जरूरी है, तभी आपको समझ में आ पाएगा। क्लियर? यस। नाउ नेक्स्ट इज, यस, हम नेक्स्ट अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज। यस, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज राइट वन वर्ड आंसर फॉर ईच, वन वर्ड आंसर हम सॉल्व करेंगे, इसमें लिखेंगे, तो आप इसमें जल्दी से अपना क्वेश्चन नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर आंसर। ओके, विंडमिल इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस नेचुरल रिसोर्स, ये आपको हिंट दे दिया गया है, आप जल्दी से गैस कीजिए व्हाट इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज हिडन इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में ही आपका आंसर हिडन है, जल्दी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हरी अप, हरी अप। आई वॉन्ट टू नो विच स्टूडेंट इज वेरी वेरी स्मार्ट वन। ओके, वेरी गुड, यस, करेक्ट आंसर, दैट इज विंड। वेरी नाइस, आई एम क्लैपिंग फॉर योर एफर्ट्स, वेरी नाइस। यस, विंड, विंड इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस नेचुरल रिसोर्स, तो दिस में कौन सा आ गया, फ्रॉम द एयर। ओके, विंड मिल्स इज यूज्ड, कि विंड मिल किससे यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस करते हैं, विंड की हेल्प से। ओके, नाउ नंबर टू, ब्लैक गोल्ड इज द अदर नेम गिवन टू दिस फ्यूल, और जो ब्लैक गोल्ड है उसका दूसरा नाम क्या है, जल्दी बताइए, इस फ्यूल का नाम ब्लैक गोल्ड भी है, जल्दी से गैस कीजिए, बिग बिग, आई एम गिविंग यू टाइम, यू शुड राइट इन योर प्रैक्टिस नोटबुक ऑल्सो। वेरी गुड बेटा, यस इट इज पेट्रोलियम, करेक्ट आंसर, दिस इज पेट्रोलियम। ओके,
वेरी नाइस, पेट्रोलियम। ओके यस, पेट्रोल, यस पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, सो यू मस्ट रिमेम्बर। सबको ये जल्दी से लिख लेना है सो दैट यू कुड रिवाइज लेटर ऑन। ओके, पेट्रोलियम हमारा ब्लैक गोल्ड भी कहा, पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। ओके, नाउ रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज द अनदर नेम गिवन टू दीज रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज को भी कहा जाता है, तो वो क्या नाम है उनका दूसरा नाम जल्दी बताइए, गैस कीजिए फटाफट से, बी क्विक। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या कहते हैं हम, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। इन द वेरी बिगिनिंग आई एक्सप्लेन यू, क्या बोलते हैं बेटा, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। नोट डाउन फर्स्ट, इनएग्जॉस्टेबल, जल्दी से नोट कर लीजिए। यस yes, inexhaustible resources. Okay, now next one is, ye hamara answer, yes, the energy of the sun is called this. Jo hamari jo energy, sun ki jo energy hai usko kya kehte hain, guess kijiye. Correct answer, bahut jaldi se answer guess kar liya hai, that is called solar एनर्जी। ओके, वेरी नाइस। और नेक्स्ट वन इज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड दिस। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड किससे जनरेट होती है बेटा, वाटर से, तो फिर उसको क्या कहा जाता है, व्हाट डू वी से। करेक्ट आंसर, यस, वेरी गुड, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। बी क्विक, सबको नोट करना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सभी नोट करेंगे इसको। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड दिस, व्हाट इज द नेम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इन ग्रीक लैंग्वेज नोन एज वाटर। क्लियर एवरीवन? Okay, now next one is, green gold is the other name given to this inexhaustible resource. Yes, green gold bhi kaha jata hai is inexhaustible resource ko. Very quick answer, yes, that is correct answer, plants. Very nice, plants. I hope everybody has written, sabne likh liya hoga. Now I am clearing all. Okay, now next one is, yes beta, hamara next one kya hai dekhte hain, hamara exercise, wait a minute, yes, टिक द करेक्ट आंसर। अब हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, टिक द करेक्ट आंसर। ओके, यस, रेडी, नाउ नोट कर लीजिए जल्दी से। फर्स्ट वन इज, ऑल मटेरियल्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स आर कॉल्ड। जो मटेरियल जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं, सेटिस्फाई मीन्स जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करते हैं, अकम्प्लिश करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, जल्दी से गैस कीजिए। यस, बी क्विक। ऑल मटेरियल्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स आर कॉल्ड, यस, वेरी नाइस, हम उसे क्या कहते हैं, यस, रिसोर्सेज। क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए, जितने भी मटेरियल हैं वो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करते हैं, उनको कहा जाता है रिसोर्सेज। ओके, नाउ थिंग्स मेड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड। जो मैन मेड थिंग्स हैं उनको क्या कहा जाता है, ह्यूमन मेड
नेचुरल, नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टिबल। करेक्ट आंसर, वेरी इजी, यस, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। ओके, नाउ डीजल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, डीजल हमें किससे मिलता है बेटा? सॉइल से, कोल, पेट्रोलियम या फिर आयरन। हरी अप, वाओ, वेरी नाइस, पेट्रोलियम करेक्ट आंसर, नोट डाउन इट फास्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज द रिसोर्सेज दैट डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड आर कॉल्ड, विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है जो एग्जॉस्ट नहीं होती है, वी कैन रीयूज देम अगेन एंड अगेन, दोज आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल, नॉन रिन्यूएबल या फिर ह्यूमन मेड। डू नॉट गेट, यहाँ पे क्या आया है आप देखिए ध्यान से, डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड, वेरी गुड, दीज थिंग्स आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नंबर फाइव, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। यस, द डैश एनर्जी इज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, टीडल, थर्मल, हाइडल या फिर सोलर। हरी अप, हरी अप, जल्दी से, करेक्ट आंसर, यस, दैट इज सोलर एनर्जी, यस, वेरी नाइस स्टूडेंट्स। यस, नाउ नंबर सिक्स इज डैश गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, हमें ऑक्सीजन कौन देते हैं, एयर, प्लांट, सन या सॉइल। Yes, very good. Everybody knows plants. Correct answer. Yes, I hope everybody has done. So I am clearing all now. Just we will practice now. Next page, okay, of this exercise. Okay, now here. यस, नाउ हमारा भी एक एक्सरसाइज और बचा है, डिफाइन द टर्म्स, अब हम उसको भी एक बार कर लेते हैं। ओके बेटा, वेट अ मिनट, यस, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका इसको ध्यान से डिटेल में समझेंगे। ओके, डिफाइन द टर्म्स, अब आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में। ओके, यस, नाउ यस, डिफाइन द टर्म्स, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऑल मटेरियल्स अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट विच सेटिस्फाई अवर नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऑल मटेरियल्स, जो हमारे जितने भी मटेरियल्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में हमको अवेलेबल हैं और जो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करते हैं, उनको पूरा करते हैं, उनको रिसोर्सेज कहा जाता है, सच एज मटेरियल्स, जैसे मटेरियल्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मटेरियल्स, ओके, जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, चाहे वो एग्जॉस्टिबल है चाहे इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, सच एज अपने एयर, वाटर, विंड, ये सब क्या हैं, ये सब हमारे रिसोर्सेज हैं और ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। ओके, तो उनको जो भी चीजें हमारे नीड्स को फुलफिल करती हैं उनको रिसोर्सेज कहा जाता है। ओके, नाउ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, अब जो रिसोर्सेज ह्यूमंस ने बनाई हैं उनको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहा जाता है, थिंग्स मेड बाय ह्यूमंस using natural resources are called human made resources. जो हमारी natural resources हैं उनको एक item में, product में, finished item में prepare किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, human made resources. such as आपको iron है, iron से हम utensils बनाते हैं, okay, gold से हम jewelry बनाते हैं और एल्यूमिनियम से भी आपके यूटेंसिल्स बनते हैं और मैनी मोर आइटम्स, बहुत सारे यूटेंसिल्स के अलावा बहुत सारे आइटम्स, जैसे आपके जितने भी व्हीकल्स हैं उसमें भी आयरन यूज होता है, एल्यूमिनियम भी यूज होता है, ओके, एरोप्लेन्स भी एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं,
उसमें तो इसमें ह्यूमन के एफर्ट्स लगे हुए हैं, दैट इज व्हाई वो ह्यूमन ने बनाई है, वो चीजें उनको कन्वर्ट किया है बिग फैक्ट्रीज के अंदर, तो वो चीजें क्या कहलाती हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, द थिंग्स मेड बाय ह्यूमंस यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. क्लियर एवरीवन? नाउ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड वंस दे आर यूज्ड अप आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं और कैन नॉट बी क्रिएटेड वंस वी यूज्ड अप, अगर हम उनको एक बार यूज कर लेते हैं तो हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, अगर करना है तो हमें दोबारा उसका अमाउंट लेना पड़ेगा. तो दैट इज दोज थिंग्स आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज दैट डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड एंड कैन बी रिन्यू आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. क्लियर? तो उनको क्या कहा जाता है, उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है. जैसे हमारा एयर है, एयर हम ब्रीद करते रहते हैं ऑल द टाइम, ओके, तो ये हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ऑल द टाइम इट इज अवेलेबल फॉर अस. एंड एज सेम एज सोलर एनर्जी से सनलाइट है, सनलाइट भी हमको अवेलेबल होती है डेली, ओके. और जब सन है तो सन से हम यूज कर सकते हैं सोलर एनर्जी को भी, ओके. एंड लाइक वाटर, वाटर भी हम बार बार यूज कर सकते हैं, ओके. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज थिंग्स विच आर विच वी कैन यूज यूज अगेन एंड अगेन, दे आर अवेलेबल फॉर अस, ओके, ऑल द टाइम. क्लियर एवरीवन? आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ सोलर एनर्जी. अब सोलर एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी ऑफ द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, ओके. आई होप आपको अच्छे से एक्सरसाइज समझ में आ गई होंगी और ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को, ओके. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ओके. लव यू ऑल डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ.